गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर नगर निगम भिलाई चरोदा के परिसर में रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश की स्थापना कर शहर में स्वच्छता व विकास कार्यों के नित नए इतिहास लिखे जाने की प्रार्थना की गई। आज पूरे देश सहित छत्तीसगढ़ प्रदेश में भी विघ्नहर्ता भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर गणेश उत्सव का प्रारंभ किया गया है। इसी कड़ी में नगर पालिका निगम भिलाई 3 चरोदा के प्रांगण में भी इस वर्ष भगवान गणेश की प्रतिमा बड़े ही मुरादों से स्थापित की गई है और पूरे विधि विधान से पूजा अर्चना कर अधिकारियों कर्मचारियों ने निगम क्षेत्र के सुख समृद्धि एवं अपने अपने परिवारजनों की खुशहाली की कामना भगवान गणेश से की है। इस मौके पर नगर पालिका निगम भिलाई चरोदा के महापौर निर्मल कोसरे एवं निगम आयुक्त कीर्तिमान सिंह राठौर उपस्थित रहे और उन्होंने क्षेत्र सहित प्रदेश की खुशहाली की कामना भगवान गणेश से की है। सर्वप्रथम मैं सभी प्रदेशवासियों को और हमारे शहरवासियों को आज श्री गणेश चतुर्थी की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूँ। आज प्रथम पूजन के रूप में पूरे देश में गणपति जी की पूजा बड़ी धूमधाम से किया जाता है। हमारे भिलाई चरोदा नगर निगम में भी आज गणेश जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। मैं भगवान गणेश जी से यही कामना करता हूं कि हमारे नगर में अमन शांति खुशहाली बना रहे, सबके घर में अन धन की लक्ष्मी बना रहे, प्रदेश में खुशहाली हो, देश में खुशहाली हो और गणपति जी से प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा सबके ऊपर बनी रहे। गौरतलब है कि निगम के अधिकारी कर्मचारी अपनी 2 सूत्री लंबित मांगों को लेकर कलमबंद कामबंद हड़ताल पर बैठे हुए हैं और प्रदेश सरकार के कानों में जू तक नहीं रेंग पा रही है। अब ऐसे में छत्तीसगढ़ प्रदेश के सभी सरकारी कर्मचारी अधिकारियों की आस बनकर विघ्नहर्ता भगवान गणेश का आगमन हुआ है और एक ये भी कारण हो सकता है कि भिलाई 3 चरोदा निगम के कर्मचारी अधिकारी अपनी पूरी श्रद्धा भक्ति से भगवान गणेश की आराधना और भक्ति में जुटे हुए हैं। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए शैलेंद्र खरे की रिपोर्ट।